डियर फ्रेंड्स, दिस इज निशांत रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग CNRI। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। एक फ्यूल गैस है जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। कह रहा है कि बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन गैस गिव्स 3.38 ग्राम CO2 एंड 0.69 ग्राम ऑफ वाटर एंड नो अदर प्रोडक्ट। तो इस गैस को लिया और गैस को ऑक्सीजन में हीट किया, तो हीट करने पर आपको जो CO2 मिलती है वो 3.38 ग्राम मिलती है और 0.69 ग्राम ऑफ वाटर मिलता है। ठीक है ना, मानी CO2 आपको 3.38 ग्राम है और वाटर 0.69 ग्राम है। कब? जब आपने इसके एक स्मॉल सैंपल को, थोड़ी सी क्वांटिटी को आपने हीट किया ऑक्सीजन में। चलिए ठीक है। कह रहे हैं अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर मेजर्ड एट STP। आपसे कह रहा है कि 10 लीटर आपने STP पे मेजर किया हुआ है और इस गैस का इज फाउंड द वेट 11.6 ग्राम। तो जो 10 लीटर आपने गैस ली है वो STP पे, उसका वेट जब आपने लिया तो वो वैल्यू आपको 11.6 ग्राम मिलती है। जब आपको एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है, मोलर मास ऑफ गैस कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना, तीनों एक ही पैटर्न पर हैं, तो समझ में आ जाएगा। एक थोड़ा सा कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। आपसे कह रहा है कि एक फ्यूल गैस है, आपके पास क्या है? एक फ्यूल गैस है, आपके पास एक फ्यूल गैस है, उस फ्यूल गैस में सिर्फ आपके पास क्या क्या है? कार्बन है और हाइड्रोजन है। बात समझ आई ना? ठीक है। अब आपने क्या किया कि इसके सैंपल को हीट किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जब आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया तो उसने क्या किया कि 3.38 ग्राम CO2 दिया और उसने 0.69 ग्राम H2O वाटर दिया। बात समझ आएगा? तो इस डेटा से आप क्या पता कर लोगे? अब देखो, आपको एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है, तो एम्पिरिकल फार्मूले के लिए कार्बन और हाइड्रोजन का वेट पता होना चाहिए कि वेट एक्चुअल में कितना है। बस में तो इससे आप वेट पता कर लोगे कि कार्बन का वेट कितना है इसमें और हाइड्रोजन का वेट कितना है। और जब आपको कार्बन का वेट, हाइड्रोजन का वेट पता चल जाएगा तो आप उसके मोल निकालोगे, मोल से सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो से एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूले से फिर आप एम्पिरिकल फार्मूला वेट निकालोगे और फिर उससे मॉलिकुलर फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला वेट आप निकालोगे। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर बोलना है। हालाँकि मॉलिकुलर वेट आपको पता करने के लिए यहाँ पर ये डेटा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी 10 लीटर वाली। तो चलिए हम पहले स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो देखो, एक बात अगर हमसे कोई कहे तो हम ये कहेंगे कि भाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 जो है वो कितना है। तो यहाँ पे 12 हो जाएगा और प्लस 2 × 16 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 44 ग्राम पर मोल। यानी कि CO2 का वेट जो आएगा वो कितना? 44 ग्राम आएगा। अब इसमें कार्बन कितना है? 12 ग्राम है। तो अगर 44 ग्राम CO2 में कार्बन 12 ग्राम है तो 3.38 ग्राम CO2 में कार्बन कितना है? तो यहाँ से कार्बन का वेट हमको पता चल जाएगा। तो सिंस 44 ग्राम CO2 कंटेन्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन, देयरफोर 3.38 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन, तो 12 × हो जाएगा 3.38 और बाई हो जाएगा 44, और ये वैल्यू जो आती है वो 0.9218 ग्राम समथिंग आती है। इसको आप देख लेना। ठीक, तो यहाँ से हमें कार्बन का वेट पता चल गया। अब हमें हाइड्रोजन का वेट पता करना, तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया मॉलिकुलर वेट ऑफ H2O। तो देखो, हाइड्रोजन का 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, टोटल कितना हो गया? 18 ग्राम हो गया। सही। अब 18 ग्राम जो आपके पास H2O है उसमें हाइड्रोजन कितना है? 2 ग्राम है। 18 ग्राम H2O में हाइड्रोजन कितना है? 2 ग्राम है। जब आपके पास में 0.69 ग्राम H2O है तो उसमें कितना? तो देखिए, तो सिंस 18 ग्राम H2O कंटेन्स 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, देयरफॉर 0.69 ग्राम H2O, तो ये जाएगा 2 हो जाएगा जाके 18 और इंटू हो जाएगा 0.69, और ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू कुछ जो आती है वो 0.0767 कुछ आती है, देख लेना इसको। ठीक है ना, तो इतनी वैल्यू ये आती है। अब आपको दोनों का वेट पता चल गया, हाइड्रोजन का वेट पता चल गया और साथ में आपको वेट पता चल गया कार्बन का। बस अब आप क्या करो, अब आप एम्पिरिकल फार्मूला बनाओ। तो एम्पिरिकल फार्मूले के लिए आप एक टेबल बनाते हो, जिसमें टेबल में सबसे पहले आप एलिमेंट लिखते हो। ठीक है, तो एलिमेंट आपके पास यहाँ पर क्या कहाँ है? कार्बन है, हाइड्रोजन है। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पर उनका वेट या परसेंटेज लिखते हो। तो वेट आपको जो दिया गया है, मिला है, वो कितना मिला है? वो मिला है कार्बन का 0.9218 है और इसका 0.0767 है। ठीक, उसके बाद इनका एटॉमिक वेट आप लिखते हो। तो एटॉमिक वेट आपको याद आ रहा है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 है। उसके बाद आप मोल्स कैलकुलेट करते हो। तो मोल्स के लिए आप क्या करोगे? वेट बाय एटॉमिक वेट करोगे। तो वेट कितना है? 0.9218 और बाई कितना हो जाएगा? 12।
ठीक है ना। तो ये वैल्यू जो आती है वो आती है लगभग 0.076 के आसपास ही आती है, ठीक है ना, 0.0767 मान लो। और यहाँ पर भी आप लिखोगे तो 0.0767/1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू भी 0.0767 आ जाएगी। अब आप इसके बाद सिंपल रेशियो लेते हो, तो आपने सिंपल रेशियो लिया तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.0767/ हो जाएगा 0.0767 यानी वैल्यू 1। और यहाँ पर भी 0.0767/ हो जाएगा 0.0767 यानी ये वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, सिंपल रेशियो यानी कि कार्बन 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 हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 हो गए। इसका मतलब है कि आप एम्पिरिकल फार्मूला इसका कैलकुलेट करोगे, एम्पिरिकल फार्मूला आप कैलकुलेट करोगे तो ये CH आ जाएगा। ठीक, तो एम्पिरिकल फार्मूला वेट हम कैलकुलेट यहाँ पे करें, फार्मूला वेट कैलकुलेट करेंगे तो 12 कार्बन का है और 1 हाइड्रोजन का, यानी क्या हो जाएगा 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे 13 ग्राम जो होगा वो ये एम्पिरिकल फार्मूला वेट आ गया किसका, 1 मोल का, सही। तो 13 ग्राम पर मोल ये वेट आ गया। अब हमको यहाँ पे मॉलिकुलर फार्मूला, तो सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला पता कर चल गया CH है, ठीक है, पहला ऑप्शन हो गया। उसके बाद मोलर मास ऑफ द गैस पता करना। अब मोलर मास ऑफ द गैस पता करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए मोलर मास को पता करने के लिए हम 10 लीटर वाला यूज़ करेंगे, ठीक, सही। अब एक बार बताओ मेरे को कि एट STP 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम, ठीक है ना। तो 22.4 लीटर वॉल्यूम होगा किसका, 1 मोल गैस का STP पर, सही, ठीक है। तो अब गैस कौन सी है, गैस मेरे पास जो है वो ये अननोन गैस है, CH गैस है, ठीक है ना। अब इसका वेट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो चलिए आपको एक बात और भी पता है कि मोल जो होता है ये इक्वल टू वेट बाई मॉलिकुलर वेट होता है, यानी मोल की वैल्यू अगर हम 1 रख देते हैं तो वेट बाई मॉलिकुलर वेट, यानी कि 1 मोल का वेट जो होगा वो उसके मॉलिकुलर वेट के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हम 1 मोल गैस का वेट कैलकुलेट करेंगे वही उसका मॉलिकुलर वेट हो जाएगा। तो अब हम क्या कहेंगे, अब हम ये कहेंगे कि 10 लीटर गैस का वेट जो आ रहा है वो 11.6 ग्राम आ रहा है। तो सिंस 10 लीटर गैस, वेट ऑफ 10 लीटर गैस इक्वल टू 11.6 ग्राम, देयरफॉर 22.4 लीटर ऑफ गैस, तो 11.6 इंटू 22.4 और बाई क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 25.98 समथिंग कुछ आएगी, और ये मतलब 26 ग्राम आप इसको कह सकते हो। मतलब कि आपको 22.4 लीटर गैस यानी कि 1 मोल गैस का वेट पता चल गया 26 ग्राम, और यही वेट जो होगा वो मॉलिकुलर वेट हो जाएगा, यही वेट मॉलिकुलर वेट ऑफ गैस हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए एम्पिरिकल फार्मूला वेट आपने 13 कैलकुलेट किया था, मॉलिकुलर वेट आपने कैलकुलेट किया 26। तो अब हमें मॉलिकुलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो देखिए मॉलिकुलर फार्मूला जो होता है वो इक्वल टू होता है एम्पिरिकल फार्मूला होल एन। अब एन क्या होता है, एन इक्वल टू होता है मॉलिकुलर वेट और बाई होता है एम्पिरिकल फार्मूला वेट, सही है ना। मॉलिकुलर वेट बाई एम्पिरिकल फार्मूला वेट, मॉलिकुलर वेट कितना दिया हुआ है 26, एम्पिरिकल फार्मूला वेट 13 है, वैल्यू आ गई 2। बात समझ ना, यानी कि मॉलिकुलर फार्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला होल 2 हो गया, यानी क्या हो जाएगा CH का होल ट्वाइस हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा C2H2। तो मॉलिकुलर फार्मूला यहाँ पर जो आएगा वो आ जाएगा क्या, C2H2 आ जाएगा। और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा सॉल्व कर लेंगे।